मुहर्रम पर्व के मद्देनजर शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुआ। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा कि सभी धर्म मानव जीवन के उत्थान एवं विकास हेतु हैं और सभी धर्मों का आदर करना हम सबका परम कर्तव्य है। मानव जीवन को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है तथा कोरोना वायरस से जो वैश्विक महामारी के रूप में फैली है उसके बचाव के दृष्टिगत त्यौहार हम सब अपने घरों में ही मनाएं और सामूहिक भीड़ से बचें, बचाव ही इसका उपाय है। उन्होंने यह भी कहा कि अपने अपने परिवार तथा राष्ट्र हित में कोविड नियमों का 100% पालन सुनिश्चित किया जाए क्योंकि जीवन रक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने कहा कि वैश्विक महामारी से निपटने हेतु हम सभी को अपने कर्तव्यों का पालन कर शासन प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इस बीमारी को हल्के में ना लिया जाए क्योंकि तनिक सी लापरवाही संक्रमण को फैला सकती है। महानगर में धारा 144 लागू है। सभी धार्मिक कार्य अपने घरों में ही करें। सामूहिक रूप से भीड़ एकत्रित ना हो। मूर्ति स्थापना, ताजिया, जुलूस आदि पर प्रतिबंध है। कोरोना वायरस को रोकने के दृष्टिगत इसका अनुपालन आवश्यक है। जिलाधिकारी ने यह भी अपेक्षा की है कि निगरानी समिति के सदस्यों का सहयोग किया जाए और कोविड पॉजिटिव का कोई भी केस संज्ञान में आता है तो तत्काल कंट्रोल रूम को सूचित करें ताकि उसकी जांच कराकर उसे बचाया जा सके। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी का अनुपालन किया जाए तभी इस महामारी से बचा जा सकता है और इसे त्योहार में ही नहीं बल्कि आम जीवन में भी अपनाया जाए। जीवन सुरक्षा के लिए आवश्यक है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, SP सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, अपर जिलाधिकारी नगर RK श्रीवास्तव, ADM फाइनेंस राजेश सिंह, SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी से संबंधित विभागों के संबंधित अधिकारियों के साथ शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, हम लोग मूल विषयों पे बात करेंगे तब तक मैं चाहता था कि अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर दूँ। वास्तव में कैसा क्या लगा मैं वास्तविक अनुभव बता दूँ और उसको जो जैसा ग्रहण करना चाहे जैसा ग्रहण कर सकता है। हमारे यहाँ मैं करीब 23 जुलाई के आसपास मुझे पता लग रहा था कि मुझे फीवर हो रहा है और उतर जा रहा है तो मैंने सोचा कि चलिए हम इसको टेस्ट करा लेते हैं। तो 24 जुलाई को मैं पहले सोच रहा था, फिर 25 जुलाई की सुबह गया और मैंने नियम साहब को एडिशन को बताया कि मैं टेस्ट करा रहा हूँ। मैंने टेस्ट कराया और हमारे यहाँ एक दुर्घटना भी उसका जिक्र नहीं करेंगे, मतलब किसी जिले की जो दुर्घटना थी उससे हम लोग उनके घर जाने वाले थे जिससे कमिश्नर साहब, DM साहब, साहब सभी लोग मेडिकल कॉलेज से हमें बताया कि आपकी जो स्क्रीनिंग है उसमें डिटेक्टेड हाई दिखाई पड़ रहा है, इससे ज़्यादा संभावना है का पॉजिटिव होने में। उस समय मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लगा। 1 घंटे बाद मैं अपने यहाँ आपदा कार्यालय में बैठा था, मेरे पास वो आया था पॉजिटिव हो गया है। तो एक पिछले करीब 2.5 महीने या 3 महीने से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया ने कोरोना को लेकर के इतना ज़्यादा प्रचार कर लिए या दुष्प्रचार कर लिए या इतनी ज़्यादा जानकारी दे दी कि जैसे ही आप पॉजिटिव होते हैं आपका मनोबल आप समझिए कि आधा हो जाता है। खैर धीरे धीरे सब लोगों को मालूम हो गया कि मैं पॉजिटिव हो गया, लोग मुझे फोन भी करने लगे, सांत्वना भी देने लगे, मेरा मनोबल भी बढ़ाने लगे। 3-4 दिन तक मैं कहता था कि यार मुझे तुम छोड़ ही नहीं रहा, मैं तो अभी भी अगर कहा जाए कि बाहर निकल के दौड़ना है तो मैं दौड़ सकूंगा और कहीं भी शरीर में कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ ऐसा, परंतु सोशल मीडिया और इन सब पर ऐसी खबरें थी। उसी दौरान एक TV साहिब साहब की खबर मिले तो मैंने उस ग्रुप में इस बात को डाला कि साहब ये सब खबरें प्रसारित मत करिए, इसलिए कि शरीर में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन मन को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये जो डर है ना, मैंने उस दौरान ढेर सारे लोगों से बात करके देखा, मेरा मतलब कि हल्दी, दूध, पानी, गर्म पानी, जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान, क्योंकि बचाव ही सुरक्षा है। आप सबने देखा कि कल हमने 300 से ज़्यादा मरीज एक साथ पॉजिटिव आए हैं, तो आप पॉजिटिव का प्रेवलेंस रेट आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बढ़ती। SOs हैं जिनमें से कई पॉजिटिव हुए, कई नेगेटिव हुए। हमारे इस वक्त कैंट थाने के क्लर्क चौकी इंचार्ज पॉजिटिव हैं। साझा करें और जितना आपको अवेलेबल
भी कर सकते हैं सारे, और शासन प्रशासन के नियम अनुसार सारी कार्रवाई की जाए। आपको बेहतर पता है सार्वजनिक स्तर पर सामाजिक चीज़ों को करने से बचना है, उसमें आपको हमसे जो भी सहयोग अपेक्षित हो तो हम देने के लिए तैयार हैं। कई त्यौहार हमारे साथ में निकाले और कोरोना काल में हमने कई त्यौहार साथ में निकाले, चाहे वो गोलों की यात्रा हो, चाहे बकरीद हो, ये सभी कुछ हम एक साथ देखते हैं और भविष्य में भी देखते रहेंगे इसी भाषा को। और आप सभी ने हमने याद करने वाले हम लोग एक इस चीज़ को देख रहे हैं कि क्या है, कैसे हो रहा है और कैसे इसका निदान हो रहा है। जैसा कि एडियन अमिताभ साहब ने भी आपको बताया और एडियन और श्री साहब ने बताया है, कुछ नहीं करना है, वही सब जो कि वास्तव में पहले से पहले दिन से जो चीज़ बताई जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के मास्क लगाना, गर्म पानी पीना, इत्यादि जो भी चीज़ें हैं आप रखें और कोई इससे छुटा नहीं रह गया है। हर किसी को प्रयास करना चाहिए कि कम से कम बाहर निकले, कम से कम किसी के टेस्ट में आए और कोई बीमारी अगर कोरोना पॉजिटिव हो जा रहा है तो उसको मन को मजबूत रखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। यही कोई उससे कुछ नहीं करना, कोई स्पेशल दवा भी नहीं है और अपना जो खान पान है उसी से अपनी इम्यून पावर को बढ़ाइए और सही हो जाएगा। ये ऐसे ही हम लोग सही हो के आ रहे हैं, सही जिन्होंने हमको किया है इस चीज़ को। रही बात है जो त्यौहार की, जो त्यौहार में पिछले जैसे त्यौहार लोगों ने निकले हैं किसी तरीके से घर में रह के ही त्यौहार मनाने का है, ये लोग से क्या नहीं निकालना है। अब आगामी जो त्यौहार है उसको या तो किसी ध्यान देंगे, कहीं कोई जुलूस वगैरह नहीं निकलेगा और मुहर्रम में और ताजिया रखी जाती हैं, ताजिया को पहले करवाती हैं, खरीद जाती थी, करवा तक ले जाई जाती थी। अब इस चीज़ को आप व्यवस्थित कर लीजिएगा, नए गाइडलाइन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई जुलूस निकाला जाएगा। किसी की भावना को बीच नहीं पहुँचाना है, बस ये है कि इस कोरोना से हम निजात पा लेते हैं। इसी तरीके से एक दो महीने में हम लोग इसमें पूरी तरह हमें लगता है कि हम लोग वैक्सीन बन जाएंगे और बहुत कुछ नहीं रहना मुझे, बस इसलिए आप लोग इसको मुझे ध्यान रखती है आगामी त्योहारों को ऐसे पीछे मनाते हुए तो मजा आए, बस ये बिना जुलूस से बिना खांसी जुकाम बुखार सांस फूलना लूज मोशन और वोमिटिंग, ये सिम्टम अभी तक देखने में पेशेंट में मिल रहे हैं। ऐसा कोई सिम्टम आता है तो टेस्ट जरूर करें। वैसे कोई भी सामूहिक कार्यक्रम घरों से बाहर नहीं होना है। सभी समुदाय के लोगों को तो गणेश पूजा की मूर्ति हो, चाहे वो नवदुर्गा की मूर्ति हो, चाहे वो दशहरे का फंक्शन हो, चाहे वो दिवाली का सामूहिक कोई त्यौहार या कलेक्शन मीटिंग हो, त्यौहार की हमें सामूहिक रूप से नहीं करना है। ताजिए का हमें जुलूस के रूप में नहीं निकालना है। इन चीज़ों को सिर्फ इसलिए शासन में होता है करके, इसीलिए बार बार लॉकडाउन किया जाता है जिन क्षेत्रों में ज़्यादा कोरोना के पास के लोग निकलते हैं। और वैसे भी सुनाई देगा आपको दरवाजे के बाहर रहे हो तो मीटर की डिस्टेंस को निकलेगा। तो शासन के निर्देश सिर्फ इसीलिए हैं, प्रशासन की जितने भी लोग खड़े हैं उनका बात चलेगा, सामाजिक दूरी बाधित होगी, ऐसा ना हो कि हमारे इसलिए हमारे पेज के निर्णाम उसे चला के लाभ कर देंगे। SSP सर का समय है, हमारे सांस लेने की क्षमता को घटाता जाता है, हमारे जो सेल्स MBI कहलाते हैं ये सबसे छोटी कोशिका है जो ऑक्सीजन को लंग्स में सांस में लेने पर एब्जॉर्ब करके शरीर के सभी हिस्सों में ले जाती है। अलावा आप भी जानते हैं कि आपके घर में कोई भी दुश्मन आता है तो आपके परिवार का मुखिया सबसे पहले उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। आपके WBC के अलावा शरीर के बहुत से केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट होते हैं जो इतनी अधिक मात्रा में ब्लड में बन जाते हैं जो स्टार्म साइटोसिस कहलाती है। केमिकल का तूफान ही 99% मौत का कारण है।
तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, बचाव ही इसका इलाज है। अब मैं सीईओ सर से अनुरोध करूंगा कि वो अपना मार्गदर्शन देने का प्रयास करें। मैं इसी पे कहूंगा, ये बहुत सीरियस इशू है, बीमारी है, इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, मजाक में मत लीजिए। हमारी लगातार डॉक्टर से मीटिंग होती रही है, जो मरीज इसके ग्रस्त में आ गए हैं उनकी जब हालत हम डिस्कस करते हैं, उसमें दो तीन पॉइंट मैं बोलूँगा आपके लिए। जो लोग इसमें ठीक भी हो जाते हैं उसके बाद भी ये लंग्स की कैपेसिटी इतनी कम कर देती है कि वो बाद में भी तकलीफ देते हैं। जब इतनी खतरनाक बीमारी है तो हम डरा भी रहे आपको, लेकिन आप प्रशासन का सहयोग करिए, आपको जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसको फॉलो करिए। जैसे यहाँ पे सब लोग मास्क लगा के बैठे हैं, सोशल डिस्टेंस पे बैठे हैं, तो इसको उसके लिए हम उसको फॉलो करें। और टेस्टिंग के लिए सामने आई है, टेस्टिंग अभी बहुत ज़्यादा की जा रही है, इसलिए केस भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। कई जगह हमने टेस्टिंग कराई, लोग नहीं करा रहे किसी स्टिग्मा के कारण या किसी और कारण, वो बोलते हैं हमें नहीं, हमें नहीं करा। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जितना हमारा सहयोग करेंगे उतना ही हम लोग इसको अच्छा हैंडल कर पाएंगे। सेकेंड ये है कि जो आपकी पी एच सी सी एन सी है उसे आप परफेक्ट कर सकते हैं, ये कोरोना में यही है। थैंक यू। आज जबकि हमें लग रहा है कि हम कोरोना को समझ गए हैं, थोड़ा सा उस पर कंट्रोल पा रहे हैं, उससे लड़ पा रहे हैं, तो आज कहीं जा करके हमारी एमरजेंसी हम आप लोगों को बुलाएँ और कुछ बात कर लें। और जिला प्रशासन की तरफ से ये बैठक आयोजित की गई है। हम लोगों ने इस बैठक का आयोजन इसलिए किया कि काफ़ी दिनों से हमारा जनसंवाद बहुत रुक रहा था, क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे हैं लॉकडाउन लगा हुआ है, धीरे धीरे कोरोना फैल गया है। आज की डेट में 4,000 से ऊपर एक्टिव केस गोरखपुर में हो चुके हैं। बहुत सारी आपने अपने नज़दीकी और जानने वालों को खोया भी है, जिसमें से मेरे जानने वाले अगर मैं कहूँ तो कमिश्नर साहब के जो पीए थे, चिर परिचित मुस्कान रखने वाले, सब बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए जानते होंगे कि किस व्यक्तित्व के धनी थे और उनको भी हम नहीं बचा पाए कोरोना से। यदि गोरखपुर में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी हम लोगों की दुर्भाग्यशाली ये घटना रही जिसमें हम संजय जी को नहीं बचा पाए। उसके बाद आपने देखा बहुत सारी जो नामचीन हस्तियां हैं हमारे व्यापारी बंधु, कुछ हमारे वरिष्ठ नागरिक, उनको भी हम नहीं बचा पाए। कोरोना पर अभी हमने पूरी तरह विजय प्राप्त नहीं की है, ना अभी हम उसको नियंत्रित कर पाए हैं। मैं एज ए पुलिस ऑफिसर यही मान के आपको कहूंगा कि हमारे पुलिसकर्मी भी लगातार संक्रमित हो रहे हैं, और एक एक पुलिसकर्मी पर मैं खुद रोज शाम सुबह डिस्कशन करता हूं कि ये मेरे 35 आज की डेट में मेरे तकरीबन 69 पुलिसकर्मी अभी भी कोरोना संक्रमित हैं। आज की डेट सुबह में और हर 69 को मेरी तरफ से फोन जाता है डेली हालचाल देने के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग स्वस्थ होकर के चले आ रहे हैं, लेकिन जो भी जरा सा भी लड़खड़ा रहा है डॉक्टर फिर उसको जवाब दे देते हैं। कोरोना का कोई बचाव नहीं है, बचाव केवल यही है कि इसकी रोकथाम करी जाए, जो हम और आप कर रहे हैं, 2 गज दूरी और मास्क है, आवाजी नहीं आती, यही तो बचाव कर रहे हैं। 2 गज दूरी मास्क है, धन्यवाद सर। कहीं में लॉकडाउन लगाना ये हमारी मजबूरी है, जब उस एरिया में 100 से 150 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, कि प्रशासन पुलिस हमको भी नहीं पता है कि किस गली में उसका कचरा पड़ा है, कहाँ उसने थूका है, जिसकी धूल में आप चल के जाएंगे, आप जूते में लेकर के उस विषाणु को, उस वायरस को लेकर अपने घर चले जाएंगे। काइंडली हमारी मदद करें, ये हमारी मदद नहीं है, हम आपकी मदद कर रहे हैं। हमें बहुत दुख होता है कि हम कई बार आपके हितों के लिए पुलिस वाले जो है खड़े हैं, बैरिकेड लगा हुआ है और हम लगातार उलझ रहे हैं, हमारे पुलिस वाले भी संक्रमित हो रहे हैं और लगातार शहादत हो रही है। डीएसपी लेवल, एसपी लेवल, कई लोगों की शहादत हो चुकी है इस कोरोना की लड़ने में, डॉक्टर्स की शहादत हो चुकी है, बड़े बड़े लोगों की शहादत हो चुकी है। आज ये जो मार्च से सिलसिला चालू हुआ है, एक तरह से अगर हम लोग रिकॉर्ड करें तो होली भी इस बार थोड़ी थोड़ी तेजी थी, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पता चल गया था कि कोरोना होली के बाद
जितने भी त्यौहार आए, चाहे वो ईद है, चाहे वो आपको कांवड़ यात्रा जो कि बहुत फेमस है यूपी की, एक भी बैंड एक भी डीजे नहीं निकला, जहाँ हेलीकॉप्टर से पुष्प पर फंसाए जाते थे, एक मंदिरों में ताले लगे रहे सामने, वहाँ जो झारखंडी जाए चाहे आप यहाँ मुंदिनाथ मुंदिनेश्वर उत्तराइश्वर जो बहुत फेमस मंदिर है जहाँ बाहर से आते हैं, इसी तरह हमारे मुस्लिम भाइयों ने ईद बकरीद दोनों बहुत उठे सूखे तरीके से मनाई। आप कल देखिए कल जन्माष्टमी आप हमारी पुलिसलाइन में चार आदमी वहाँ के लिए थे, मैं खुद भी नहीं था वहाँ पर, केवल रिजर्व इंस्पेक्टर और चार पाँच सिपाही और चार पाँच पुजारियों ने ही अपनी माँ पूजा करी। पास जितना बड़ा मंदिर था उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के नियमों का पालन करते हुए अभी रिसेंटली कल भी जन्माष्टमी हम लोगों ने अपने यहाँ मनाई। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि अभी कुछ समय हमें लगता है और लगेगा, दो चार महीने जब इसकी वैक्सीन आ जाएगी या कुछ हमें रिहाइश मिलेगी तब ये बात हम लोग आपस में बात करने के लिए वक्त मिला। इसी बहाना में और भी डेवलपमेंट हो, इसी हाल में बहुत सारे चीज़ें इसी साल में हम लोग चर्चा किए थे, तब शुरुआत में तब कोरोना का काल हुआ था, समय से लेकर लगभग इसी साल ही उधर गया लगा आठ महीने निकल गया, अभी भी कोई हमें उम्मीद जारी है जल्दी इसी साल अंदर तक कुछ वैक्सीनेशन कुछ चीज़ आ जाएगा तो फिर हम लोग तो वैसे ही मामूली जिंदगी जी सकते हैं, और जीने के लिए कुछ कुर्बानी भी देना पड़ेगा हम लोग का। वैसे कप्तान साहब ने सही बताया, 76 लोग का गोरखपुर में हम कुर्बानी दे चुके हैं, बहुत दुखद होता है, मतलब नींद नहीं आता है रात को, किसी को होता है तो बुद्धि होता है तो फिर हम लोग पूरा उनका परिवार को समझा के तक जाते हैं, कहीं उसका जवाब नहीं होता है, अब कहीं ना कहीं उनका व्यक्ति भी रहता है, कहीं ना कहीं ये बेची देने का लापरवाही हुआ जो भरा, और उनके कैसे समझा वो उनका उनको भी लापरवाही था उसके ताकि इतने बार कहने के बाद बताने के बाद भी ऐसे ऐसे लोगों को खोए हैं, एक एक करके हम तो एक एक इतिहास में तो एक एक आदमी का पूरा मुंडन ही पढ़ना पड़ता है, तो जितना लोगों ने बताया कोई एक एक व्यक्ति का हम पूरा डिटेल में जाते हैं, तो बहुत दुखद होता है, वो आदमी थोड़ा भी सतर्क रहता होगा तो बच गया हो, उदाहरण तो कप्तान साहब के लिए तो फिर दोबारा में लेने जाता हूँ, जो गंभीर साहब का भी है संजय के बारे में जानते हैं, उनका एक महीने पहले का तो मृत्यु हुआ, एक महीने पहले ही तबियत खराब था, थोड़ा संदेह भी लगा, उनका जांच किए थे, जांच में तो टीका निकले तो नेगेटिव, उस समय में नेगेटिव निकल गया, दोबारा एक सप्ताह के बाद फिर बुखार चढ़ा, फिर बीमार पड़ा था, वो भी ऐसे ही हल्की से लगने लगा, तो दोबारा जांच में दोबारा उसमें भी तो फिर उनका नेगेटिव निकला, उसके बाद थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो गया, चलो तो दो बार जांच होगी क्या होने वाले, पता नहीं कैसे कैसे हुआ, तीसरी जांच तब ये है, उस समय में वायरस हुआ है, तब तक उनके घर पर संपर्क का फैल गया, उनका पत्नी भी कोविड थी, बच्चे भी हो गए थे, वो अच्छा रहा है, माँ बाप मौजूद थे वो बच गए थे, और वो पूरा परिवार से खा करके भर्ती थी, उस समय में भी ठीक थे, हम लोग भी सोचे थे ठीक है तो नॉर्मल सोचते सही हो जाता है, ये जो दवाएँ जो जरूरत दवाएँ सब दी गई, एक दिन तक दो दिन दूसरे दिन तो उनका शरीर बिगड़ने लगे, फिर उसके बाद तीसरे दिन और बिगड़ने लगे, और फिर यहाँ से लखनऊ से भी डॉक्टर से बात करके जो उपचार हम कर सकते थे सब किए हैं, रेमडेसिविर से लेके सारे दवाएं लग गया है, उनको ऑक्सीजन लगा दिए, सब करा दिए, फिर भी बड़ा है तो कोरोना नेगेटिव था पहले तो, बट तब तक बीमारी इतने बढ़ गया है, रेडियम साहब ने बताया और भी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, निमोनिया आ गया उनका, तो दूसरे बीमारी से वो गुजर गया है, उनको विकास के लिए बनाया है, और इसी में भी आपको सूत्र भी मिलता है, अब ये याद करें एक पीढ़ी पहले हम कहाँ इस समय में हम लोग का स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन नहीं था, चिकन पॉक्स का वैक्सीन नहीं था, हम लोग कैसे व्यवहार करते थे, ऐसे व्यवहार को दोबारा लाना हम बस इतनी सी बात है, पहले हमें भी याद है बचपन में हमें भी स्मॉल पॉक्स हुआ था, छोटी छोटी सी वो दाना निकलता है शरीर में, वो कहते हैं बच्चे में आ जाता तो अच्छा है, करीब उसके बाद तो जान से बच जाता, एक आदमी का आता तो पूरे घर में आ जाता सब, कितने लोग याद है उसको रोने लगता है, मैं तो 25 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ, उस समय में क्या करते थे हम लोग, घर पे जो नीम का पत्ता है उसको बाहर टांग देते थे, उसका हल्का कर देते थे, कहते थे इसके घर पे माँ आ गई, जो भी बाहर वाले व्यक्ति मना है घर का अंदर आना, जो व्यक्ति किसको जो लक्षण हुआ है बीमार हुआ है वो अलग कमरा में हो जाता था, रोज नहावाया जाता था, वो
अपने नीम का पत्ते से और उस हल्दी मिला करके हर जगह घर पे फेंक देते थे। उनका घर का सफाई ठीक ठाक होता था, जूता बाहर ही निकल के आना होता था, बाहर का व्यक्ति का वर्जित होता था। फिर उसी के नीम के पत्ते से और हल्दी से कुछ वो ब्रेसलेट बना करके शरीर पे लगा देते थे। तो 10 दिन 15 दिन तक वायरस था, वायरस का उस समय में इलाज नहीं था, अभी भी कुछ वैक्सीन है। उसके बाद 10 दिन के बाद उनका जो भी उनका शरीर का ताकत देने वाले जो खाना पोषक जो भोजन वो सारे दी जाते थे। वो आराम से जो भी लड़का जो भी लड़की किसी को हुआ है वो बाहर आ जाता था। उसके बाद बाहर से जो पता है नहीं तो पता है हटा देते थे। देखिए यही तो हो रहा है, वो जो टेस्ट कर रहे हैं वो बैनर पोस्टर यही चीज़ है भाई, इनके घर पे वायरस है। पहले जो पता था इस समय में पोस्टर जो उससे हो गया जो सिस्टम में सेम है। पहले एक तो पहले से पीढ़ी पीढ़ी से हम लोग का पूर्व जन्म ने कर रखा है, किसी भी धर्म में होता है। और मंदिर मस्जिद के अंदर उसके लिए पहले जूता उतर देते, हाथ पाँव साफ करते थे, अंदर जाते थे, पवित्र पूजा करते थे, वो किसी से छूने लेने से पूरा उसके रहते थे ताकि वो उसका पवित्रता का हमें बनाना है। पहले वो मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है, और मंदिर भी है। उसके बाद लोग क्या जाते थे घर पर आते थे। ये आदत कहीं ना कहीं ये जो मेडिसिन बंद है और वैक्सीनेशन तमाम चीज दिए है उसी की वजह उन लोगों का एक तरफ गमन हो गया लग रहा है। उन लोग उसके एक तरफ मनुष्य ने गमंड हो गया था, हम तो कुछ भी कर लेंगे। अब एक सीख है, सीखना चाहिए था हम लोग, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी नहीं है, वो एक छोटी सी वायरस हमें उड़ा सकते हैं। और यदि तो कुछ हम लोग इतने लोग बताए, थोड़ा कलेक्टिव इंटेलिजेंस कहते हैं, इतने लोग बता रहे हैं कैसे कैसे बच्चे हैं, कैसे कैसे बच के निकले हैं, उन लोग का मुँह से जो निकला है उसी का सूत्र का हम लोग पढ़ा रहे हैं, देखा गया बच के है। यही तो हम लोग पिछले 8 महीने में चला रहे हैं, मास्क पहनो, 2 गज का दूरी और हाथ बार बार धोना है ताकि ये वायरस का। दो बैठक था, एक तो पीस कमेटी का मीटिंग थी, इस पे जो धार्मिक गुरु लोग आए थे, सभी धर्म का प्रतिनिधि लोग आए थे, तो सभी का कोविड के बारे में समझाया, सेंसिटाइज कराए और आगे आने वाले त्यौहार को भी हम कैसे भाईचारा के साथ उसको ले चलें और उस पर जो कोविड का जो निर्देश है उसको पालन करते हुए कैसे मनाएं। और हमने अपील किया है इस समय में ज़्यादा धूमधाम ना मनाएं, जो भी मनाना है घर का अंदर ही मनाएं, बाहर मूर्तियाँ ना रखा जाएगा और जुलूस नहीं निकला जाएगा, 4 आदमी से ज़्यादा भीड़ नहीं लगा जाएगा, ताकि कोविड ऐसे बीमारी है इसी टाइप का मौका में ज़्यादा फैल जाता है और यहाँ शहर में बढ़ती जा रही है तो उसका फैलाव भी हमने सचेत भी किया है और उनका आग्रह भी किया है और सहयोग के लिए वो सभी लोग सहमत भी थे और आग्रह का स्वीकार भी कराया। और अभी उम्मीद है साथ ही हम लोग के साथ काम करेंगे कितने आगे त्यौहार है वो शांतिपूर्वक सब संपन्न होगा।